मैं जब भी आपको राधिका के साथ देखूंगी, he'll kill me. I know, मैंने आपको कहा था कि आप ये सब सॉर्ट आउट कीजिए, पर मैं ये सब हैंडल कर नहीं पाऊंगी मिस्टर खन्ना. आज मैं सबके सामने कुछ करना चाहता हूँ. ये तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें बुरा लगा कि राधिका के सामने मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा. Now, I started thinking about that. अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं सबके सामने अब दिखा रहा हूँ कि हमारे बीच में क्या है. कब तक उनका बुटीक कैफे सील हो जाएगा? So all the papers are in place. कल दोपहर तक राधिका कालरा will not be the owner of a cafe. मेरी प्यारी बहन, आज दोनों ही लगन में लिए, तब मजा आएगा. हाँ, थैंक गॉड, कम से कम मिस्टर खन्ना और विशाल चैन से एक कमरे में सो तो पाएंगे. समझ नहीं रही यार बहन, प्लीज सुनना, अम्मा के कमरे में चली जाना प्लीज. नहीं नहीं नहीं, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ने वाली हूँ. तो ठीक है, हम चले जाते हैं. हाँ यार चेरी, क्यों कर रही है यार ये सब? तू भूल रही है बहन, हम दोनों की शादी हो गई है यार, प्लीज कुछ तो प्राइवेसी दे. हाँ लेकिन थैंक यू, यू द स्वीटेस्ट. यस तू प्रेमी. डोंट वरी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं यहाँ पर हॉल में अपना बिस्तर लगा रहा हूँ. गॉड, मिस्टर खन्ना, मेरे इस रूम का डोर लॉक नहीं होता है. मुझे क्यों बता रही हो? आपको बता रही हूँ ताकि आप गलती से भी अंदर ना आ जाए. मुझे क्यों बता रही हो? यार ये दरवाजे भी, तुम हिंट दे रही हो मुझे. आप अंदर क्यों आए? हाँ मतलब यू जस्ट गेव मी अ हिंट. यू लीव मिस्टर खन्ना, आप जाइए नहीं तो मैं. ये क्या है? ये टेजर. तुम मुझे टेज करना चाहती हो? आई मीन रियली, what is wrong with you? यार मैं, I was just teasing. मुझे क्या करना होगा ताकि तुम विश्वास करो? What do I have to do? I mean, Mr. Khanna, listen, I didn't mean that. Mr. Khanna, listen, I'm sorry यार. पता नहीं मैं क्यों बार बार ऐसे react करती हूँ. I think मेरी just आदत हो गई है ये सब बोलने की. एक मिनट, ये तुम्हारी आदत हो गई? हाँ. नेल बाइटिंग को आदत कहते हैं, स्नोरिंग, खराटे लेना, उसे आदत कहते हैं. ये तुम्हारी आदत है. Is that what you're saying? लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देना, ये तुम्हारी आदत है, really? ये सेफ्टी और प्रिकॉशन के लिए मैं रखती हूँ. सेफ्टी और प्रिकॉशन फ्रॉम मी, फ्रॉम मी. मैं यहाँ पर जमीन पर सो रहा हूँ, एक 25 साल पुराने गद्दे पर जो बाय द वे कभी यूज नहीं हुआ है, और पुरानी फटेली चादर के साथ सो रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं. वो फटी हुई चादर जरूर है, but when I bought it, it was very expensive. Okay, it was 600 bucks and 2007 के export. ये सब याद है तुम्हें? ये कब खरीदा ये याद है तुम्हें? लेकिन मैं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ इतने दिनों से वो याद नहीं. You know how much I respect you. ये दिखाकर, do you know what you've proved to me? That I make you feel unsafe. Yes. तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ so that I can have sex with you? वो ही चाहिए था तो मैं यहाँ क्यों आता? बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, बहुत सारी लड़कियां मुझे फोटोज भेजती हैं. I don't want any of them. I want you. क्योंकि तुम अलग हो मेरे लिए.
I've never thought of you only like that. मैं कभी उस नजरिए से तुम्हें देख ही नहीं पाया. I've never thought of you as a sex object. I don't even find you sexy, यार. What did you just say? Thank you for saying that, Mr. Khanna. Tipsy, मेरा वो मतलब नहीं था. Tipsy, I didn't mean it, यार. नेबरहुड भाभी, क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह यहाँ? टिप्सी, उठो। अबे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मिस्टर खन्ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मेरे बिस्तर में हो, तुम मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? ये कैसा सवाल है? बिस्तर में थोड़ी ज्वार बाजरा उगाते हैं, ये वही करती होगी जो करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मिनट, पहले तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? मैं चली जाती ना इस तरह, तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है तू? मैं यहाँ क्या करूँगी, क्यों करूँगी? अरे आई एम डॉक्टर नागराजन। तू डॉक्टर की अरमान नहीं होती है? एक मिनट, पर ये टिप्सी है। अनलेस कल रात से अभी तक किसी ने से ग्रोथ हार्मोन से पंप अप कर दिया हो तो आई डोंट नो। ये है ना साक्षात ग्रोथ हार्मोन, उसको देख के कोई अपने आप को कैसे रोक सकता है? But टिप्सी तुम मेरे बिस्तर में। मैं तो ये आपको उड़ाने आई थी and I don't know how I just। हम भी ना आउटडोर शूज के जाते थे तो एक दूसरे के कमरे में जाके रजाई हीटर एक्सचेंज करते थे है ना। Get away from me, यार। ये कोई बहाना नहीं है, मैं सच में यहाँ पे रजाई हूँ। एक मिनट What are you really doing here? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? मैं पड़ोसी खेलने आई हूँ, चीनी लेने आई हूँ। I got the problem, Mr. Khanna. The problem is you. आप यहाँ पे है ना, तभी ये शुगर चीनी हनी ये सब हो रहा है। Please you leave this place. You go, यार. Just calm down, बहन, sister. देखो, मैं जान गई हूँ कि करण का पीछा करने का कोई फायदा नहीं। जहाँ तुम हो वहाँ करण है ना, तो मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी छोटी बहन की तरह। ये सब क्या है, रोकिए इसे। मैं कैसे रोक सकता इसको यार? अब कौन आ गया? मेरे बकेट लिस्ट पे था तुम्हारे साथ शावर को। Stay away from me. ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो अम्मा पापा तिरुपति गए थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको माटुंगा ले चलूँ इडली खिलाने के लिए। इडली? ओह इडली तो मेरी फेवरेट है। मैं तो 4 साल की थी ना तो मैं इडली बनना चाहती थी। You know that's how much I love इडली। हाँ वो माधवन कह रहा था कि वो शेरी को कहीं लेके जा रहा है तो she might not feel awkward, इसलिए उसने मुझे बुला लिया। Why don't you come along? मुझे इडली बिल्कुल पसंद नहीं। देख इस कद्दू को इतना चालाक है,
इतनी चलाकी के साथ he's made it into a double date. तुम्हारे घर में कोई है क्या? नहीं वो एक्चुअली ना हमने एक छोटा पपी पाला है, छोटा क्यूट सा, मस्ती करता है. पपी 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 बस आते हैं, अपना फोन लेके आते हैं ना. चल चल बहन आजा, बहन निकलते हैं यहाँ से. चल बाहर गई थी ना तो 36 घंटे तक नहाई नहीं थी मैं, जेल में रात बिताई थी मैंने. अरे विशाल और करण दोनों बाथरूम में, यार अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा सोच. और रोमिला तूने सोचा वो मिस्टर खन्ना का क्या हाल करेगी? बेचारे मिस्टर खन्ना खुद हैंडल कर लेगी ना. चलो यहाँ पर निकलते हैं यहाँ से. अरे क्यों यार, क्यों मैं क्यों भागू यार? तूने गलती की है. पहले तो तूने विशाल से छुप के शादी की और फिर तो उसे यहाँ पे ले आई. मिस्टर खन्ना को तो अम्मा ने खुद यहाँ आने के लिए कहा है ना, तो मैं क्यों भागू? मेरी पोजीशन तो क्लियर है ना. अच्छा और क्या, अम्मा को पता है कि तुम दोनों रात को कैसे छुप छुप के बताओ मैं उन्हें जाके. तेरा दामन में कुछ साफ नहीं है. ओके तू बहन है मेरी, 5 मिनट दे तैयार होके आती हूँ. They've locked us in. Yeah, Radhika phone kar rahi hai. What do we do now? Lufa! Lufa ke saath main tumhara mazaak. Ajay, stop touching. Acha, listen to me. Tumhe yaad hai wo 3 hafte jab tum har roz mere ghar ke andar aa jati thi? Haan, kyunki ghar ki chavi tumne mujhe nahi di aur har 2 din mein ghar ka lock change karwa lete the. Phir bhi main andar ghusi. Such exciting times na Deva. Bilkul usi tarah. Do you think ki tum ye lock khol sakte ho? Please. Tumhare liye Karan. बिल्कुल. आप प्लीज कॉल करके पूछिए ये कोई. दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन. ये आप लोगों ने क्या किया? यहाँ पे नोटिस कैसे लगा सकते हैं? इट्स नॉट, नो आई कैन नॉट टेक दिस. यू हैव बीन कॉलिंग, दिस इज नॉनसेंस. आप नोटिस कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे? व्हाट्स गोइंग ऑन? देयर इज नथिंग टू वरी. ये ब्लैकमेल टैक्टिक्स है. मिसेस कालरा ने अपना घर कोलैटरल रखकर लोन लिया था और जिसे अनय ने पे ऑफ कर लिया. ओके दैट इज ऑल फाइन, बट अब हम लोग क्या करें? आई मीन डस शी हैव टू लेट गो ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज वेल? बेटी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा. आई एम श्योर बैंक में किसी ने उन्हें हेल्प किया. तो हम क्या करें? करण लिसन, प्लीज रात को घर लेकर जा क्विकली. हां इसको पैल्पिटेशन शुरू हो गई है. आई विल सॉर्ट इट आउट. मैं यहां सब कुछ संभाल लूंगा. आपको प्लीज जो भी करना है जल्दी कीजिए. दिस इज बारे में मत सोचो. दिस इज रियली नॉट द टाइम. हाय करण. थैंक्स फॉर कमिंग. पलाश, राधिका नीड्स फॉर कैफे. जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है हम लोग उन्हें आज के आज भर देंगे. पची नीड्स फॉर कैफे. मेरा क्लाइंट एग्री नहीं करेगा. वन स्कॉच प्लीज, 3 क्यूब्स ऑफ आइस. तुम अपने क्लाइंट से बात तो कर सकते हो. आई मीन यू कैन एटलीस्ट ट्राई टॉकिंग टू हिम. अनय ने ऑलरेडी सारे लोन्स बैक कर लिए. मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हमारा केस बहुत वीक है. शादी का सर्टिफिकेट नहीं है, शादी या प्रॉपर्टी ओनरशिप कैसे प्रूव करोगे? अपने क्लाइंट के पीछे पिछले 3 दिनों से लगातार तुम्हें एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम समझ नहीं रहे. अनदर पीस ऑफ एडवाइस, अपने लॉयर को ड्रॉप करो. ही सक्स. तुम्हें यह केस हरवा के रहेगा वो. करण, दिस इज अबाउट टू गेट रियली मेसी. लेट मी टेल यू, अनय को अपने भाई की प्रॉपर्टी वापस चाहिए और वो अल्ट्रिक का इस्तेमाल करेगा. नो मैटर हाउ घटिया और underhanded that trick might be. You're on a weak ground, buddy. I'd say back off. Look, Palash, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, but I have a request, man to man. Please, ये कैफे का मामला हम लोग यहीं सेटल कर लेते हैं आज. प्लीज अपने क्लाइंट से बात करो. प्लीज, यू सेड दैट यू वुड हेल्प मी. हमने वो विंडो मिस कर दिया है. Then drop the case.
जितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, आई विल गिव इट यू, जस्ट प्लीज गॉड सेक स्टॉप द केस। इट इज नॉट अबाउट द मनी, और ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी एक्स वाइफ बेटी गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए तुम्हें सब कुछ रिजॉल्व करना चाहते हो। मेरे पास सिर्फ ये है, मेरे केसेस, मेरा काम, मेरा करियर, और अगर ये ना हो देन देयर इज नो पॉइंट फॉर मी टू वेक अप इन द मॉर्निंग। इस बार एटलीस्ट मैं तुम्हें वार्निंग दे पा रहा हूँ, अगली बार वो भी नहीं कर पाऊंगा। कोई और तरीका ढूंढो मिसेस कादरा को काम डाउन करने का, बिकॉज स्टेफ इज गॉन। सॉरी सर, यू गोना रिग्रेट दिस पलाश, आई स्वेयर टू यू गोना रिग्रेट दिस। वारत मैंने बहुत पीछे छोड़ दी, आई डोंट रिग्रेट थिंग्स एनीमोर। थैंक यू फॉर नथिंग। यार इतनी देर से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, मिस्टर खन्ना मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं यार। चेरी मुझे लगता है वो बाथरूम में बंद करने वाली बात से ना नाराज हो गए, इसीलिए नहीं उठा रहे मेरा फोन। सुन, तू ना डिसाइड कर ले तुझे मिस्टर खन्ना घर में चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी ये हाना हाना से ना मुझे हेडेक होने लगा है। पता नहीं मिस्टर खन्ना का क्या हाल हो रहा होगा। मेरा फोन तो उठाना चाहिए ना। सुन सुन, एक बात बता, कल रात को क्या हुआ था? बताना। अरे तू पागल है क्या? कैसी बात? उनका फोन है। उनका फोन आया। हेलो मिस्टर खन्ना, कितनी देर से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। नहीं एक्चुअली वो आपका बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा फोल्ड करके रखूँ या नहीं एक बार पूछ लेती हूँ आपसे। आप हैं कहाँ? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। Apologies, I kept you waiting. Balash, by the way, I see everything like fine. Double on the rock, please. पूरे डेढ़ घंटे लेट हो तुम। Thank you. My dad ने insist नहीं किया होता तो अब तक निकल जाती मैं। Anyways, do me a favor. Tell your dad you met, okay? I can tell it's one of your favorite songs. I did see you tapping your foot to it a while earlier. जाने से पहले एक dance. Private table, champagne, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? वो champagne तो होना ही था ना। But three magical words I'm about to say to you. Listen, I very sorry for keeping you waiting. तुम lines लिख के लाते हो या कोई special training लिए? They're kind of natural. Cheers. इस समय काला वर्सेस राधिका काला केस में हमें शायद कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं। मेरा एसोसिएट बता रहा था कि इट केम एज अ टोटल शॉक, और राधिका काला का कैफे भी अभी नया-नया खुला है। सो वी ड्रू फर्स्ट ब्लड। आपने कभी नोटिस किया है कैसे हम अपनी एक कार्निवोरस टेंडेंसीज को अपनी फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में लेकर आते हैं? मॉम भी आपको बर्दाश्त नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई शी कमिटेड सुसाइड। फेलोशिप। तुम्हें ऑल द वे मुझे ड्रॉप करने की क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाती। डिजर्ट के लिए चलें? हॉट चॉकलेट आइसक्रीम। आई एम टेकिंग यू स्ट्रेट टू योर होम। अरे तुम वो
हुआ क्या है? I said no. बात समझ नहीं आती क्या? I don't like to repeat myself. पर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? क्या? ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं? शाम भर से तो कर रहा हूँ. I'm done to death with this stupid fucking Prince Charming act. तुम लड़कियाँ कमाल की हो. डेढ़ घंटा वेट कराया पहली डेट पे. एक डांस, एक डिनर, and you are ready to sleep with me. What? बस इतना ही हाँ? I hate you bloody women, man. अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो चांस इतने Because I hate my father. ये सब मैंने अपने डैड के लिए किया. जब घर जाओ अपने डैड को बोलना उनका बेस्ट फ्रेंड मिस्टर मेहता का बेटा कितना बड़ा ऐसा होगा. होपफुली अपना फोन उठाएंगे, मेरे डैड को फोन करेंगे और फिर चिल्लाएंगे और मेरे डैड को शर्मिंदगी फील होगी. ऑल इन अ डेज वर्क. हार्टलेस. यू बेट आई एम हार्टलेस. पर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है. बट डोंट बी टू हार्ड अपॉन योरसेल्फ. तुम पहली लड़की हो जिसका मैं दिल तोड़ रहा हूं. आई एम अ हैबिचुअल क्रीचर. मैं पहले लड़कियों को ल्योर करता हूं देन आई ड्रॉप देम लाइक अ बैड हैबिट. निकलना से अपने डैड को बोलना. पर आज क्या हुआ? और अगर फोन पे बताओगी तो आंखों में आंसू होने चाहिए. माहौल सही होगा. लास्ट थिंग फॉर यू. बटरस्कॉच राइट? एनर्जी बार. दैट्स द हार्ट ब्रेक. सी यू स्वीटहार्ट. मिस्टर खन्ना, यू ओके? क्या हुआ? उसके ऐसे थोड़ा हग यू फॉर अ सेकंड. तुम्हारा फोन फोन पे चला. हेलो. व्हाट? ओके ओके, मैं पहुंचती हूँ जल्दी. या ओके, या ऑलराइट. व्हाट हैपेंड? वो एक नए पेशेंट का केस आया था. एडिक्ट है. अपॉइंटमेंट तो बाद में थी बट उसने ओडी कर लिया. सो आई हैव टू रश. आई विल ड्रॉप यू. सर, डॉक्टर नागराजन से बात हो गई है. वो आ रही है. डॉक्टर नागराजन क्या इनके रिहैब काउंसलर है? सर, कार्ड इनके वॉलेट से मिला है तो शायद वही होंगी ना. एपिनेफ्रिन रेडी करो फास्ट. ओके सर. बार बार फोन आ रहा है. लगता है कोई नया पेशेंट है. शायद किसी ने उसे मेरा नाम या नंबर दिया. मैं रुकूं नहीं, या... I'll be good, thanks. अरे जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है. बट एनीवे, आई विल डू व्हाटएवर यू आस्क मी टू डू बिकॉज़ आई लव यू.